Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये अम्मी जी सच पूछिए तो आज हमको पता लगा कि लोग ससुराल में जाके ईद क्यों मनाते हैं। बहुत ही मजा आया हमें यहाँ ईद मना के। ये देखो ना, खर्चा भी बचा और मेहमानों की थकावट भी है, बहुत मजा आया हमें। हाँ, लेकिन मेरी ईद तो उस वक्त होगी ना जब तुम इधर से उधर ताकना झाकना छोड़ोगे। छोड़ तो दिया हमने ताकना झाकना। ये देखो कितने दिनों से ना तो किसी को ताका और ना ही कहीं झाका। बताओ हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो तो तुम इसलिए कह रहे हो ना कि छन्नो जो घर में मौजूद नहीं है, अपनी खाला के घर गई हुई है, और भला तुम किसको ताको झाकोगे यहाँ पे? देखिए, अगर हम ताकने झाकने पर आए ना तो आपकी सोच है हम कहाँ कहाँ ताक और कहाँ कहाँ झांक सकते हैं, लेकिन अब हमने ये काम छोड़ दिया है, अब हम शरीफ हो गए हैं ना। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी इस बात का? अरे कर लो ना यकीन, कह तो रहा कि मैं ताकना झाकना छोड़ दिया, मान लो ना उसकी बात। और एक और बात हम तुमको बताएं, ये जो हम छन्नों को ताकते झांकते थे ना, ये भी हमारा कसूर नहीं था। ये हमें छन्नों बहुत अकसाती थी कि हम उससे मोहब्बत करें, ये हम तो मजबूरी में करते थे। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये मजबूरी देखो ना, वो गरीब मुलाजमा का दिल तोड़ देंगे तो लोग अमीरों पर उंगलियां उठाएंगे कि देखो कितना मगरूर है, इसलिए। लेकिन अगर आईने तुमने उसका दिल नहीं तोड़ा ना तो मैं तुम्हारा सर, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा सर ना दबा दबा के तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि उसका बस दिल तोड़ देना तुम। अच्छा, ये बात हुई ना, ये देखो जब तुम चप्पल लेके हमारे पीछे दौड़ती हो ना, हमको फिर जिद आ जावे है, फिर इसलिए हम ताका झाकी करें। लेकिन अब तुम दरखास्त करते तो हम वादा करते हैं हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे, अगर हम झूठ बोले तुमको कुछ हो जावे। क्या? ये मतलब हमें कुछ हो जावे। पक्का वादा? ये पक्का वादा। चले फिर ईद मनाते हैं, खाना पीना मेहमान वगैरह। मैं बिरयानी खाऊंगी। मैं टिक्का। हाँ हाँ, मैं सेविया। सदाकत की बिरयानी और उसी का टिक्का, सही है? जा लेके आओ। ठीक है, मैं अभी जा जाओ। आइसक्रीम भी ले आना। आइसक्रीम भी और कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगी। कोल्ड ड्रिंक और पराठे लाना साथ। अच्छा, पराठे एक दो चपाती भी ले लेता। कुछ तो बताएं, डाइटिंग कर रहे हैं क्या दोनों? कुछ तो खाएंगे। अच्छा, तुम इतना जोर दे रहे थे तो अपनी मर्जी से ले आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आऊंगा नहीं। देखा, मैंने तुझे कहती थी कि तू हर वक्त शमसुद्दीन को काटने के लिए मत दौड़ा कर। अरे तू काटने को दौड़ती है ना तो जिद में आकर ये सब कुछ वो करता है। जरा तू उसे प्यार से समझा, क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानती थी। आज देखा तुमने, जरा सा तुमने उसे प्यार से समझाया ना तो कैसे तुम्हारी बात मान ली। जिंदगी भर के लिए तोबा कर लिया उसने ताका जाकी से। हाँ माँ, लेकिन तुम यकीन करो, मुझे अभी भी ना पूरी तरह से इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि शमसुद्दीन जैसा बंदा सीधा हो सकता है। वो तो छन्नो अभी घर पे नहीं है ना, इसीलिए वो बहुत सीधा सीधा सा नजर आ रहा है तुमको। अब कल छन्नो वापस घर आ रही है ना तो असल मानों में कल पता चलेगा कि ये सीधा हुआ भी है या नहीं। अरे तुझे कल पता चलेगा? मुझे तो आज ही पता चल गया। याद है तुम्हें पिछली ईद, जब भी शमसुद्दीन ईद पे मेरे घर आता था तो सीदा छत पे जाता था, और पिछली ईद पे सीधा छत पे गया था और कितना हंगामा हुआ था। अरे पड़ोस वालों के, जब ताका झांकी कर रहा था और उनकी बच्चियां भाग रही थी तो कहने लगा, अरे ऐसे क्या भाग दौड़ रही हो, एक ही दफा मेरा हाथ पकड़ो और हमेशा के लिए भाग चलो। और इस बात को तो छोड़ो, इससे पिछले साल, वो पिछली से पिछली ईद पे वो जो इधर वाले पड़ोस वालों की बच्ची के साथ उसने किया था, वो तो शुक्र करो वो तो हमारे घर लाठी लेकर आ गए थे उसको मारने के लिए, बच गया था वो। हाँ माँ, उस दिन तो मुझे याद है अच्छी तरह कि कैसी हाथापाई होते होते बची थी। उफ, हंगामा तो पिछली से पिछली ईद पे हुआ था जब इनामुद्दीन लट लेके दौड़ पड़े थे शमसुद्दीन के पीछे। अरे जब कोई इनामुद्दीन की बीवी को सिल बट्टे पे मसाला पीसते हुए देखकर ये कहेगा कि ए इनामुद्दीन का सर इसी सिल बट्टे पे पीस दो तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें इस सिल बट्टे से निजात मिल जाएगी, तो वो लाठी लेके नहीं भागेगा तो क्या इसको गले लगाएगा? अरे हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो,
मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इस साल तो शमसुद्दीन कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है। अरे अरे गुलबदन, तभी तो कह रही हूँ कि शमसुद्दीन सचमुच सुधर गया है। दिल से तौबा की है उसने। हाय अम्मा, वाकई मेरे लिए इतने अरसे के बाद खुशियों भरी ईद का दिन आया है। उफ, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं बहुत तैयार हूँ, बहुत सारे काम करूँ कि मेरा मियाँ मेरे अलावा अब किस यार को नहीं देखेगा। उफ, मैंने तो क्या क्या सोच लिया। वैसे अम्मा, ये तुम्हारा प्यार मोहब्बत से डील करने वाला नुस्खा ना मेरे बहुत काम आ गया। वरना तो इस बार मैंने ये सोच रखा था कि अपने लिए इस दफ़ा लोहे के सैंडल बनवा लूँ, क्योंकि लकड़ी के सैंडल से ना शमसुद्दीन का कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी था वो। अरे कमबख्त मारी, लोहे की चप्पल इसलिए बनवा रही थी कि उसकी खोपड़ी में कील लगाएगी और उसकी खोपड़ी में सुराख करेगी। देखा तूने प्यार की जुबान कितनी अच्छी होती है। शमसुद्दीन की खोपड़ी में सुराख होने से भी बच गए और उसने तौबा भी कर ली। अब जा 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 के आज खूब एहतमाम से ईद मना और खूब सारे पकवान पका और खूब सज धज के शमसुद्दीन के सामने जाना खाना बना के। देखे इस दफा हम ना बहुत खुशियों भरी ईद मनाएंगे एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से। हाँ अम्मा सही कह रही हो, शमशू को मेरे हाथ की ना बिरयानी भी बहुत पसंद है। आज मैं बहुत दिल से बिरयानी बनाऊंगी इसके लिए, साथ में शामी कबाब भी। मेरे लिए भी कुछ बना ले। सही है अम्मा। ठीक है। सही है। नारा ये आप है ना? आइए आइए यहाँ बैठिए। आप यहाँ कहाँ? हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं आपके अपने मियाँ के साथ। मियाँ के साथ? अफसोस हम भी यहाँ अपनी बेगम के साथ आए हैं, ये हमारे ससुराल है ना। ये छोड़ो हुसनारा, तुम कहाँ थी? कॉलेज से जाने के बाद तो सूरत ही ना ही दिखाई तुमने। आपने भी तो पलट के सूरत नहीं दिखाई। हम सूरत कैसे दिखाते? तो हार अब्बा ने हमको दिखा दी थी ना। क्या सूरत? नहीं बंदूक, इसलिए हम तुमको अपनी सूरत ना ही दिखा सके। हाय, कितना इंतजार किया हमने आपका। और हमने आपका क्यों, आपने क्यों किया? हम क्या घर से भाग के आ जाते? नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चल के भी आती, फिर भी कोई मजाका नहीं था। हम तो शेरवानी पहन के कोर्ट जाने के लिए तैयार होके बैठे रहे। तैयार थे तो आए क्यों नहीं? वो शेरवानी के बटन बंद नहीं हो रहे थे ना, पता नहीं काज छोटे थे या बटन बड़े थे। बुनियान और काछे में तो हम कोर्ट आते हुए अच्छे ना ही लगते ना शादी के लिए। और हम तो गरारा पहन के पर्दे की रस्सी बना के खिड़की में बिल्कुल तैयार खड़े थे कि आप कब आए और हम फिसल के आपकी गोद में गिरे। हुसनारा, अब हमारे दिल तो ना ही तोड़ो। ई का है? ये मीठा है, हम अपने हाथों से बना के लाए। हमारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हार मीठी मीठी बातों के सामने ई मीठा कुछ भी नहीं।
हुसनारा, हमारा दिल चाहता है तुम मीठा मीठा बोलते रहो, हम मीठा मीठा सुनते रहे, हम दोनों मीठे मठक हो जाएं। शमसुद्दीन कितना अच्छा लग रहा है ना? है ना? हाँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कौन है ये? हुसन आ रहा है, वहाँ पड़ोस में रहते। अरे लेकिन शमसुद्दीन के पड़ोस में क्या कर रही हो अभी? बातें कर रही थी ना। इतने बरसों बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें जमा हो गई थी। आओ ना हुसनारा, हमारे कमरे में बैठकर तसल्ली से जमाशुदा बातें करें। शर्मिया दी, ये गैर औरत का हाथ पकड़े बीवी के सामने, और जमा के साथ ना तुम जरा वो तकसीम भी याद रखना, जब तुम्हारे सर पे जरब पड़ेगी सैंडल की, वो भी मेरे, और तुम्हारा सर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। छोड़ो इसका हाथ। और तुम यहाँ पे खड़ी भी क्या कर रही हो? अपने घर जाओ, खबरदार जो यहाँ पे आईंदा आई, फौरन जाओ तुम। और तुम तो हो इधर आओ, तुम तो सुधरने वाले नहीं हो, इधर आओ। तुम्हें तो मैं बता दूं, बात तो सुनो। बात क्या सुनो है? बात तो चलो चलो, बात तो सुनो। देखो, हम तो हार लई दीवार कूद के आ गए तुम्हार घर। तुमको याद है जब हम ऐसे तुमको कॉलेज में डराते थे? तुम डर के पूरे कॉलेज में हमारे पीछे पीछे घूमती थी, हैं? लोग हमें देख के भगोड़े भगोड़े कहते थे, याद है ना? चलो ना हुसनारा, हम भाग चलें। नहीं नहीं, अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? ये अम्मा अब्बा को कोई सोचने की क्या जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे? उन लोगों को भाड़ में जाने दो, हम कहाँ का? ओ तो गुलबदन क्या सोचेंगे? उनको तो दिल चाहता कि हम दुपट्टे से घोट का मार बोलू। नहीं नहीं, हम नहीं भाग रहे, बहुत देखो, काम है। देखो ना, वो प्लान अधूरा रह गया था, हमारे साथ चलो ना। नहीं नहीं शमसुद्दीन, प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारी बात तो सुनो। शमसुद्दीन छोड़िए, हमारा चलो ना हुसनारा, चले चलो ना, चलो ना। अरे क्या कर रहे हो, क्या 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 कर रहे थे पागल? ले मारोगे क्या मुझे? क्या कर रहे थे? ख्वाब में खींचे जा रहे हो मुझे पागल? जंजीर खींच रहे थे, ट्रेन की जंजीर, रेल की जंजीर, प्लेटफार्म पे। हुसन आरा को आवाज देके ना, हुसन आरा क्या प्लेटफार्म पे रह गई थी? नहीं हुसन आरा नहीं, हुसन आरा, हुसन आरा, हुसन आरा तो ट्रेन के अंदर थी। हुसन आरा का शौहर जो है वो प्लेटफार्म पे रह गया था, हम उनकी मदद कर रहे थे। हुसन आरा अगर ट्रेन में रह जाती और उसका मियां नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह जाता तो तुम जंजीर खींचने के बजाय हुसन आरा को खींच रहे होते। वही तो खींच रहे थे, तुमने जल्दी कर दी, बस खींचने ही वाली थी। भागो मत, तुम्हारी ये सजा है, तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। मैं बाहर जा रही हूँ, जाके कुंडी लगा दूंगी। सारी ईद का मजा किरकिरा करके रख दिया। ये देखो हमारी बात सुनो, ये हमको डर लगता है, हमारी सुनो तो सही। हमको सूसू आता है अकेले में, डर लगता है। इकोल बदान इको तो भेज दो नारा। शमसुद्दीन, रात को चांस मिस कर दिया तुमने, ख्वाब के बहाने में गर्दन दबोच ही डालते। बीवी है अच्छी है, थोड़ा दुख तो होता, रोना भी आता, लेकिन सारी जिंदगी के लिए सुकून हो जाता। मिस कर दिया तुमने। कौन? हमारे पास कुछ नहीं है। हम हुसन आरा। ये हुसन आरा तुम हो? ये तुम बुरके में क्यों गरूब हो गई? आपकी बेगम ने कहा था ना आइंदे इस घर में नजर ना आना, हम नजर तो नहीं आए। ये क्या बात कर रही हो? तुम गुलबदन से डरती होगा? कभी हमको डरते हुए देखा है गुलबदन से? है अच्छा चलो ना, ये बातें छोड़ो, भाग चलते हैं। कहाँ? कोर्ट में शादी करने, उपलान अधूरा रह गया था ना। बहुत अरसे बाद ऐसी ईद आई है जब मन के मोतियों के साथ भागने का मौका मिले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ना भाग चलते हैं। मन का मिलन तो हो गया, अब जरा दूसरे वाला मिलन भी कर लें। चलो ना कोर्ट चलें शादी करने के लिए। मगर आज तो ईद है, ईद के रोज तो कोर्ट बंद होते है। हाँ ये तो आ गया, ये प्लान आ गया ना। ये देखो मौलवी और गवाहों को बुला के निकाह पढ़वा ले में है, ये ठीक हो जाएगा। ये तुमने हलवा तो बनाया होगा ना? हाँ हाँ क्यों? हाँ वो ये खर्चा भी बच गया, वो मौलवी को हम हलवे पे टरखा देंगे। चलो ना चले, आ जाओ आ जाओ। मगर कहाँ निकाह कहाँ पढ़वाएंगे?
मस्जिद में पढ़वा लेंगे ना, ये देखो ना मैरिज हॉल का खर्चा भी बच जाएगा, ईद का दिन होगा, मीठी मीठी चीजें होवेंगी, खुशियां होवेंगी, फुलझड़ियां होवेंगी, खुशबुएं होंगी, और उसके बीच में तुम और मैं दूल्हा दुल्हन। चलो ना उठो, आप शादी करने जा रहे हैं या अपने बच्चे की सालगिरह मनाने जा रहे हैं? ओहो हुसन आरा, ये बच्चे और बच्चे की सालगिरह के बारे में बाद में प्लानिंग करेंगे, पहले हम शादी तो कर लें। लेकिन हमारे मियां और आपकी बीवी का क्या होगा? उनकी शादी बाद में करा लेंगे, पहले हम अपनी कर लेंगे फिर सोचेंगे। चलो उठो ना, चले उठ जाओ, चल। कहाँ जा रहे हो? और शादी शादी की मुबारकबाद देने हुसन आरा के मियां को, बहुत अच्छा किया जो शादी कर ली, बहुत। हाँ हाँ दे दो हुसन आरा के मियां को भी शादी की मुबारकबाद दे दो, और उसे जरा ये भी बता देना कि तुम मस्जिद जा रहे हो या कोर्ट जा रहे हो। हम कोई उस वाले कोर्ट में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो टेनिस कोर्ट में जा रहे हैं, टेनिस खेलने हैं ना। हुसन आरा बताओ ना इनको, मैं अकेला ही बताता रहूंगा का। शमसुद्दीन, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह पता है कि तुम बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन आज तो तुम ये बाजी हार गए हो। बड़े दावे कर रहे थे ना कि आइंदा किसी से इश्क नहीं लड़ाओगे, सारी असलियत सामने आ गई। अरे जो हुसन आ रहा है ना, इसके साथ मिलके मैंने ऐसा खेल रचा है ना कि तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। ये कैसे हो सकता है? हुसन आ रहा तो हमारे कॉलेज की फ्रेंड है ना, है ना हुसन आ रहा? अच्छी तरह पता है मुझे कि ये तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन ये आजकल अपने इस शरीफ और नफ्स मियां के साथ बहुत ही बाइज्जत जिंदगी गुजार रही है। आइए 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 प्लीज भाई साहब, इधर तशरीफ लाइए। ये इनके शौहर है और ये इनके साथ बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। झूठी! अरे जब पिछली बार मैं अम्मा के यहाँ रुकने आई थी ना, तो ये यहाँ पे मौजूद थी, और इसकी तस्वीर तो वैसे भी मैंने तुम्हारे पास देखी थी। बस उसी वक्त मैंने और गुलबदन ने और हुसन आरा ने और उसके मियाँ ने मिलके ये प्लान बनाया कि तुम्हें चेक किया जाए। आपका इम्तिहान लिया जा रहा था शमसुद्दीन भाई, लेकिन आप इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। फेल तो अब हमारा हार्ट होने वाला है। हाय हाय, हार्ट फेल तो होगा तो होगा, अभी तो मैं तुम्हारी हड्डी पसलियां एक हड्डी हूं, और आओ शेरवानी में बटन कोट में चल के लगाती हूं तुम्हारे। शेरवानी के बटन ना लगाने में इतना ले तू।